नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है. क्वेश्चन सेज द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम इन केजी मूविंग इन वन ऑफ द डायमेंशन मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम इन सेकेंड एज टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3+3. सवाल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो. बहुत ही सिंपल सवाल है और हमारे चार ऑप्शन है 0, 2, 4 या 6 मीटर, ये हमें बताना है. तो अपने को जो रिलेशन दे रखा है वो दिया हुआ है कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3. राइट, अब हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमें बताना है, फाइंड सवाल है एक्स व्हेन वी इज इक्वल टू जीरो. नाउ अब हमें ये नहीं पता है कि वी जीरो कब होएगा, ये हमें टी की वैल्यू यहाँ बतानी पड़ेगी कि टाइम कब जीरो होएगा. वो जब टाइम की वैल्यू आएगी यहाँ डाल देंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ेगी. इसको अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3, और दोनों का स्क्वायर कर दें तो एक्स के लिए वैल्यू लिखी जा सकती है 3 - 3 का स्क्वायर. इसको अब अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी जो आती है डी एक्स बाय डी टी आ जाएगी. इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना हमें सीखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 t - 3, अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा. ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. हमें बताना है जब वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे टाइम क्या होगा. तो इम्प्लाइज वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि विच इम्प्लाइज 2 t - 3 इक्वल टू जीरो. इसका मतलब हो गया टी की वैल्यू हो गई 3. तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट जब टाइम की वैल्यू आपकी हो 3 सेकेंड, उसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं. तो टी की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में रख दी, सो विच इम्प्लाइज अपना एक्स जो आया है वो हो गया अपना टी माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे टी की वैल्यू अगर आपने 3 रख दी तो ये हो जाएगा आपके 0 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 0 आ गई. तो जब आपकी वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ओरिजिन पे ही है पार्टिकल, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर.